नमस्कार, मैं चंदन स्वप्निल हाजिर हूं आज एक और नई जानकारी से भरपूर वीडियो लेकर। इसमें हम आपको बताएंगे सर्दियों में फलदार पौधों को कोहरे से कैसे बचाएं। आज की इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि इस मौसम में अपने बागों की देखभाल कैसे करनी है। फसल भले कोई भी हो, जब तक उसकी अच्छी देखभाल नहीं की जाती, जिसके कारण बढ़िया विकास नहीं होता और हमारी ही गलती से वह कई बार मर जाती है। आमतौर पर बागवान फलदार पौधों को सर्द ऋतु में अनदेखा करते हैं, नतीजतन सर्द ऋतु में पौधे कोहरे के प्रभाव से मर जाते हैं। पतझड़ फलदार पौधे जैसे कि नाशपाती, आड़ू, आलूचा, अंगूर आदि सर्द ऋतु में स्थिर अवस्था में होने के कारण कोहरे के प्रकोप से बच जाते हैं, पर सदाबहार पौधे जैसे कि आम, लीची, पपीता, अमरूद, केला, आंवला और सिट्रस के फल इसके प्रभाव से ज़्यादा आते हैं। फलदार पौधों को बचाने के लिए आप ये नुस्खे अपनाएं। सिंचाई, कोहरे से पौधों को बचाने के लिए सर्द ऋतु में बाग की सिंचाई करने से बाग का तापमान 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाया जा सकता है। हवा रोकने के लिए बाड़ लगाना, पौधों को कोहरे से बचाने के लिए फलदार पौधे लगाने से पहले हवा की रोकथाम के लिए बाड़ लगाएं। यह बाड़ उत्तर पश्चिम दिशा में लगानी चाहिए, इसलिए हमेशा सख्त जान ऊंचे वृक्षों का चयन करें, जैसे कि शीशम, अर्जुन, सफेदा, आम, शहतूत आदि। पथवारा बांधना, पथवारा बांधने के लिए पराली, सरखंडे, गन्ने के अवशेष का प्रयोग किया जाता है। पथवारा कम खर्च वाला आसान तरीका है जिससे पौधों को कोहरे से बचाया जा सकता है। पथवारा इस तरह बांधना चाहिए कि उसके दक्षिण दिशा की तरफ रोशनी और हवा अंदर जा सके, ताकि पौधे के विकास पर कोई असर ना पड़े। पौधे की कांट छांट, फलदार पौधों की कटाई करके थोड़ा नीचे रखें। छोटे कद वाले वृक्ष कोहरे से बढ़िया तरीके से निपट सकते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि फलदार पौधों की छोटी उम्र में ही कांट छांट की जाए। ऐसे ढंग से इन्हें सख्त जान बनाया जा सकता है और कोहरे से बचाव किया जा सकता है। ऐसे करें सदाबहार फलदार पौधों की सिंचाई। नए फल और पौधों को ठंड से बचाना चाहिए, इसमें देरी पौधों के लिए नुकसानदेह हो सकती है। सदाबहार फलदार पौधों की स्थिति में 2 बार हल्की सिंचाई भी जरूरी है। नाशपाती, आड़ू, बेर, अंगूर, अंजीर आदि की छंटनी इस महीने के अंत तक कर सकते हैं। अमरूद, बेर, लौकाट व आंवले को छोड़कर बाकी सभी फलदार पौधों को खाद का इस्तेमाल दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में करना चाहिए। सिंगल सुपर फास्फेट व म्यूरेट ऑफ पोटाश को भी पतझड़ वाले फलदार पौधे नाशपाती, आड़ू, बेर, अनार, अंजीर व फालसा वाले बागों में डालें। इस माह में पतझड़ वाले फल वाले पौधों की बिजाई के लिए खेतों की योजनाबंदी, खाका व तैयारी का सही समय है। इस महीने बेर के बागों को एक बार सिंचाई करें, क्योंकि फल विकास के पड़ाव में है। बारिश हो गई तो सिंचाई ना करें। सर्दियों के मौसम के फल अमरूद, मीठे संतरे और अंगूर के फलों की सही ढंग से कटाई, छंटाई, ग्रेड और मंडीकरण के लिए पैक करें। ऐसे रोकें नींबू में कैंकर रोग। आम के मिलीबग के प्रबंधन के लिए इस माह इस कीड़े के निम्फस को पौधों के तने को रेंगने से रोकें। नींबू जाति में कैंकर की रोकथाम के लिए स्टेट्रोपोटोसाइक्लिन 50 ग्राम प्लस कॉपर सल्फेट 25 ग्राम को 500 लीटर पानी में घोलकर दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में छिड़काव करें। सजावटी पौधों की संभाल भी जरूरी है। ठंड के प्रति संवेदनशील पौधों क्रोटनस, पॉम्ज, डिफेनबाचिया, पांडेनस, सिंगोनियम आदि को बरामदे जैसे सुरक्षित स्थानों में रखें। गुलदाउदी फूलों के पौधों से तने को हटा दें। गेंदे में बीज उत्पादन के लिए सेहतमंद पौधे चुनने चाहिए। सूखे फूल वाले पौधों की कटाई कर बीज निकाल सकते हैं। बागवानी बागों और फलदार पेड़ों की देखरेख जरूरी है। पेड़ों के आसपास ज़्यादा देर पानी जमा रहने से पौधे व फल प्रभावित हो सकते हैं। बदतर आने पर जमीन की बुवाई कर दें, ताकि मिट्टी में हवा का प्रभाव बढ़ सके। वहीं नए लगाए पौधे बहुत नाजुक होते हैं, इनकी देखरेख करते रहें। पौधों की कांट छांट समय पर करें, तनों पर सफ़ेदी करें। अमरूदों के बाग में फल बन गया है या फल का रंग बदल रहा हो तो PAU फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगाना
जरूरी है। अभी के लिए अलविदा, देखते रहें कृषि हेल्पलाइन चैनल। धन्यवाद।